हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ मिस्टर टेक ऑडिटर। आज हम बात करेंगे CES 2019 के बारे में, यानी कि कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक शो 2019। ये एक ऐसा शो है जो हर साल जनवरी मंथ में लास वेगास में ऑर्गेनाइज करा जाता है, जहां पर बड़ी बड़ी टेक कंपनीज अपने उन प्रोडक्ट्स को शोकेस करती है जिन्हें वे नियर फ्यूचर में जल्द ही लॉन्च कर सकती है। आइए नज़र डालते हैं ऐसी कुछ पब्लिक अनाउंसमेंट्स पर। तो फ्रेंड्स, CES शुरू होने से पहले ही डीलिंक ने शोकेस करा है अपना पहला 5G इनेबल्ड राउटर, जिसे वह जल्दी ही इस साल लॉन्च कर सकती है, जिसके साथ ही वह बन जाता है वर्ल्ड का सबसे पहला 5G इनेबल्ड राउटर। बिकॉज जैसा कि आप जानते ही हैं कि 5G ज़्यादा दूर नहीं है, तो 5G यूज़ करने के लिए हमें 5G इनेबल्ड राउटर और डिवाइसेस तो चाहिए ही होंगे। बस अब देखना ये है कि हम कितनी जल्दी 5G को एक लार्ज स्केल पर यूज़ कर सकते हैं पब्लिकली। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं लग्जरी मोटर बाइक्स में, तो आपने हार्ले डेविसन का नाम ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक शोकेस करी है सैमसंग के साथ कोलैबोरेट करके, जिसमें लगी होगी सैमसंग की तरफ से आने वाली उनकी बैटरीज। ये इलेक्ट्रिक बाइक आने वाले कुछ सालों में लॉन्च करी जा सकती है, जिसके साथ ही ये बन जाता है एक और अच्छा ऑप्शन इलेक्ट्रिक बाइक लवर्स के लिए। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं या फिर हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो विदिंग्स नाम के ब्रांड की तरफ से शोकेस करी गई है उनकी ये स्मार्ट वॉच, जिसमें आपको मिलता है इनबिल्ट ECG मॉनिटर, जिसके साथ ही ये बन जाती है वर्ल्ड की सेकंड स्मार्ट वॉच जिसमें आपको मिलता है ECG मॉनिटर एप्पल वॉच सीरीज़ 4 के बाद। अगली अनाउंसमेंट की बात करें तो ऑनर ने शोकेस करा है अपना ऑनर व्यू 20, जिसमें आपको मिलता है 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा डिस्प्ले में एक होल कटआउट के साथ। इसके रियर में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जिसमें है सोनी का IMX586 सेंसर, साथ में है 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी 3D टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा जिस डेप्थ सेंसिंग के लिए। इसमें आपको मिलती है 4000mAh की बैटरी। ये रन करता है किरीन के 980 प्रोसेसर पर, जिसके साथ ये बन जाता है वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ, जिसे ऑनर जनवरी में ही लॉन्च करने वाली है। 2018 के CES में सैमसंग ने लॉन्च करा था वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मार्ट टीवी द वॉल। 2019 के CES में सैमसंग ने इसका स्क्रीन साइज़ बढ़ाकर कर दिया 219 इंचेस का, जिसके साथ ये बन जाता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मार्ट टीवी। सैमसंग की नेक्स्ट शोकेस अनाउंसमेंट थी वर्ल्ड के फर्स्ट माइक्रो LED टीवीज, जिन्हें आप किसी भी शेप और साइज़ में एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो एक बड़े माइक्रो LED टीवीज को छोटे छोटे टीवीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप काफ़ी सारे छोटे छोटे माइक्रो LED टीवीज को एक बड़े टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। टीवी इंडस्ट्री में मे बी नेक्स्ट फ्यूचर माइक्रो LED टीवीज का ही होगा। देखते हैं सैमसंग इन्हें कब तक पब्लिकली लॉन्च करता है। सैमसंग की नेक्स्ट टीवी अनाउंसमेंट थी उनके QLED 8K टीवीज। इनकी स्पेशलिटी है ये किसी भी वीडियो कंटेंट को अपस्केल कर सकते हैं 8K रेजोल्यूशन तक। देखते हैं ये भी मार्केट में कब तक आते हैं। LG ने शोकेस करा है अपना सिग्नेचर OLED टीवी R। R स्टैंड्स फॉर रोलेबल, यानी कि आप इनकी OLED स्क्रीन्स को रोल कर साउंड बार में हाइड कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। ये आता है 65 इंच के स्क्रीन साइज़ के साथ। इसी के साथ LG ने शोकेस करा है अपना 88 इंच का 8K OLED स्क्रीन। इस स्क्रीन की स्पेशलिटी है कि इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर्स हैं, जो कि अब तक की ऐसी पहली स्क्रीन है जिसके अंदर आपको स्पीकर्स इनबिल्ट मिलते हैं। देखते हैं ये भी कब तक लॉन्च होती है। नेक्स्ट शोकेस अनाउंसमेंट है नए स्टार्टअप की तरफ से, जिसका नाम है रोयोले। इन्होंने CES स्टार्ट होने से पहले ही वर्ल्ड का फर्स्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है फ्लेक्स पाई। इसमें 7.8 इंच की फ्लेक्सिबल एमोलेड स्क्रीन, साथ ही साथ इन्होंने CES में वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लेक्सिबल कीबोर्ड भी लॉन्च कर दिया है। अब देखना ये होगा कि हम नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स कब तक मार्केट में आ पाते हैं। जैसा कि सैमसंग ने कहा ही है कि उनका भी एक फोल्डेबल फ़ोन जल्दी ही 2019 में लॉन्च होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर बताइए। CES की बाकी कवरेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।